हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नटवर चौधरी। आज 31 दिसंबर 2021 समाप्त होने जा रहा है। इसी बीच 2021 में आपने खट्टे मीठे अनुभव महसूस किए और किसी को सुख प्राप्त हुआ तो किसी को दुख प्राप्त हुआ। इस बीते साल में रीट 2021 के सभी अभ्यर्थी एक उम्मीद लगाए बैठे थे कि यह भर्ती 42,000 या 50,000 पर हो सकती है, लेकिन इसी बीच आपने देखा कि नई भर्ती निकालने के लिए घोषणा कर दी गई है और मई में परीक्षा को लेकर भी बात कही है। तो यहाँ पर ऐसे अभ्यर्थी जो रीट 2021 में 1-2% से दूर रह रहे थे, उनके लिए तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दुख है। और जबकि ऐसे अभ्यर्थी जो लास्ट अपने बीएड कर रहे हैं या फिर जिनके मार्क्स बहुत कम थे रीट 2021 में, अर्थात असफल हो गए काफ़ी बुरी तरह, तो उन्हें यहाँ पर खुशी प्राप्त हुई है। तो दोनों ही मिला जुला रूप है दोस्तों। तो ऐसे अभ्यर्थी जो काफ़ी पिछड़ गए थे, उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल यह नहीं समझें कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये घोषणा की है, क्या यह भर्ती हो पाएगी भी या नहीं हो पाएगी। देखिए, घोषणा हो चुकी है, मुझे लगता है कि आपको तैयारी करनी चाहिए। इसके साथ में फर्स्ट ग्रेड की भी वैकेंसी आने वाली है, सेकंड ग्रेड की वैकेंसी भी आने वाली है। हो सकता है 2021 में, 2020 में जो आपने तैयारी की उसमें कहीं ना कहीं गलती की है, लेकिन आप अब नए सिरे से अपनी तैयारी करें और रिस्क तो दोस्तों लेना ही पड़ेगा। इस बीच आप ऐसे नहीं फंसें कि मैं रीट की तैयारी करूं या सेकंड ग्रेड की करूं या फर्स्ट ग्रेड की करूं। आपको जो बेहतर लगे, रिस्क तो दोस्तों लेना ही पड़ेगा। आप ये नहीं सोचें कि रीट में पेपर दिया, एक पेपर होता है, सेकंड ग्रेड में तो होते, फर्स्ट ग्रेड में तो होते, तो यहाँ पे एक सीधा सिस्टम है, थोड़ी बहुत तैयारी की तो हो जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, रीट में भी तैयारी करनी पड़ती है। आप देख सकते हैं पेपर का स्तर जो 2018 में था कैसा था, 2021 में कैसा आ गया, 2022 में कैसा आ सकता है, कोई अनुमान नहीं है। कट ऑफ हमेशा पेपर लेवल को देख के होती है दोस्तों। जो साइंस मैथ से बिलोंग करते हैं, उनके लिए मैं सलाह देना चाहता हूँ, यहाँ पे अपनी सेकंड ग्रेड की तैयारी करें, क्योंकि सेकंड ग्रेड में गणित में भी और विज्ञान में भी अच्छी पोस्ट आने वाली है। इसी के साथ जो आर्ट फैकल्टी से है, वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी ज़्यादा करें, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में आपकी पोस्ट लगभग, जैसे ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल है, हिंदी है, सभी में लगभग ठीक पोस्ट आ जाती है। अब ऐसे में कई अभ्यर्थी ऐसे हैं रीट वाले 2021 में जो लगातार व्यक्तिगत मैसेज कर रहे हैं कि क्या अभी घोषणा के बाद पोस्ट बढ़ सकती है, नहीं बढ़ सकती। तो दोस्तों, अब जैसे ही वैकेंसी घोषणा की है, तो उससे लगता है कि अब सरकार का जो विचार है शायद ही मुश्किल है। अगर बढ़ानी होती तो इसी में इंक्लूड कर देते, जैसे आपने लास्ट 2018 में देखा कि 28,000 के लिए वह भर्ती होने जा रही थी, लेकिन उसे 54,000 में कन्वर्ट कर दिया था। तो दोस्तों, नए अभ्यर्थी जो बीएड करके आ रहे हैं, वो अपनी तैयारी में जुट जाएं। इसी के साथ जिनके काफ़ी कम मार्क आ रहे हैं, वो भी अपनी तैयारी में जुट जाएं। तो दोस्तों, जो भी होगा अच्छा होगा। 2021 आपके लिए बुरा साबित हो सकता है, लेकिन 2022 आपके लिए बेहतर हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। दोस्तों, अपनी तैयारी नए सिरे से करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो भी ऑनलाइन कंटेंट ले रहे हैं, अच्छी बात है। इसके साथ में अपनी सेल्फ स्टडी को बेहतर तरीके से करें। सेल्फ स्टडी ही मुख्य मूल मंत्र है दोस्तों, लेकिन उसमें कंटेंट है ना, ऐसा होना चाहिए, आपके पास ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए, कोई भी गाइड का आप चूज करो, वो अच्छी तरीके से करना चाहिए। और हमेशा हम क्या करते हैं, गलती, कोई भी तैयारी करते हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को पढ़ने लग जाते हैं, हमें जो पढ़ना चाहिए उसको छोड़ के हम ज़्यादा उसमें चलते हैं। तो हमेशा कोई भी एक चीज़ पकड़ो और उसे ढंग से करो। धन्यवाद दोस्तों, ऐसी अपडेट के लिए लगातार बने रहें।